हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास का पांचवा टॉपिक, जिसमें समाजीकरण के बारे में बताया है। इससे पहले हमने चार टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी किया हुआ है। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जैसा कि हमारी परीक्षा होने वाली है एमपीटेट की 2 जनवरी से, तो हम चाहते हैं कि दिसंबर के पहले पहले हम सारा भी जो भी सिलेबस है वह हर वीडियो टॉपिक के साथ में कंप्लीट कर लें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है, ये बाल विकास है, पर्यावरण है, जो भी आएगा आपके सामने, ये सारा टॉपिक जो भी रहेगा, कंटेंट रहेगा, वह आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेगा। समय को जाया ना करते हुए हम समाजीकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि समाजीकरण होता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए एक बालक है, ठीक, और एक बालक समाज में रहकर कुछ नया सीखता है या समाज के बीच में जो भी कार्य करता है, जैसे ही वह जुड़ता है और जुड़ने के बाद में वह जो भी कार्य करता है वह समाजीकरण के अंतर्गत आता है, उसको हम समाजीकरण कह सकते हैं। अब एक बालक में समाजीकरण कब से लागू होता है, तो इसको हम शैशवावस्था से बता सकते हैं कि शैशवावस्था जो रहती है उसमें जो भी बालक रहता है उसका समाजीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आयु की अगर होता है तो ये 3 वर्ष की जो आयु रहती है, 3 वर्ष की आयु से समाजीकरण प्रारंभ होना चालू हो जाता है। और इसको याद कैसे रखेंगे आप, इसके लिए आपको बता दें कि एक बालक है, वो एक बालक शुरुआत से जैसे ही जन्म लेता है शैशवावस्था रहती है, शैशवावस्था में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। या उम्र की बात करें तो 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 3 वर्ष से बच्चा सब कुछ समझने और बोलने लग जाता है। थोड़ा थोड़ा समझता है, ज़्यादा नहीं समझता है, पर वो बोलता भी और समझता भी है। इसके अलावा हम यहाँ पर समाजीकरण को हमने 2 भाग में बांटा है, एक प्राथमिक और एक तृतीयक, ठीक, 2 भागों में बांटा है। तो प्राथमिक जो रहता है वो परिवार मित्र के अंतर्गत आता है, और द्वितीयक रहता है जो खेल के मैदान और पड़ोसी के अंतर्गत आता है। अब द्वितीयक को हम गौण के नाम से भी जानते हैं, गौण समाजीकरण, ठीक है। प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक एक परिवार आता है, माता पिता, इसके अलावा अन्य सदस्य रहते हैं, ठीक, परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगला मित्र आता है, मित्र, संगी, साथी जो भी रहते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा द्वितीयक की बात करें कि द्वितीयक गौण जो रहते हैं उसमें खेल का मैदान रहता है, एक जो अलग रहता है वह खेल कूद करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है, उसमें उसको अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के खेल के मैदान के अंदर उनको बातें पता चलती है। इसके अलावा पड़ोसी जो रहते हैं वह भी समाजीकरण में सहायक होते हैं। अब जो पड़ोसी रहते हैं वह अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं, उस आधार पर बच्चे का समाजीकरण का निर्माण होता है। अब जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण में बच्चा अच्छी चीज़ें भी सीखता है और बुरी चीज़ें भी सीखता है, उस आधार पर रहता है समाजीकरण। समाजीकरण में आगे बढ़े हम, तो यहाँ पर सिद्धांत दिए हुए हैं। प्रत्येक सिद्धांत को हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले कूले का स्वदर्पण सिद्धांत बताया है, ठीक। कूले जी ने स्वदर्पण का सिद्धांत बताया। स्वदर्पण का तात्पर्य यह है कि स्वयं का आकलन करना, ठीक। अब कोई भी बच्चा अगर समाज में कार्य कर रहा है तो स्वयं का आकलन कर रहा है, स्वयं समझ रहा है कि मैंने ये जो कार्य किया है ये सही किया है कि बुरा किया है, उस आधार पर स्वयं का आकलन होता है। अब स्वयं के आकलन में क्या होता है कि बच्चा किसी भी प्रकार से अपनी अच्छाई और बुराई देखता है और उसका अंतर पता करता है। इसके अलावा मीड का सिद्धांत है, तो मीड का सिद्धांत में या स्वयं की बात आती है। एक बालक रहता है, समाज में कार्य करता है, तो मैं या हम या मुझे की बातें, जैसे कि मान लीजिए किशोरावस्था रहती है, तो किशोरावस्था में बच्चा क्या सोचता है कि मैं काम करूँगा या मेरा कार्य है या मुझे यह चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं और मुझे या हम की जहाँ भावना आती है, और मीड का सिद्धांत आता है
इसमें जो भी अलग अगर कार्य करता है समाज में, तो वह मैं या स्वयं की भावना के अंतर्गत कार्य होता है। तीसरे नंबर पर हम जोखिम के सिद्धांत की बात करेंगे। जोखिम पर स्वामी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था, उसमें किस प्रकार से जोखिम जी ने बताया कि एक जैसे कि मान लीजिए समाज रहता है और समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति रहती है, रिवाज रहते हैं, परंपरा रहती है। इस आधार पर एक सामूहिक रूप से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बालक है, अब ये एक बालक है, इसका अगर गुप्त नियम संस्कार हो रहा है, उस आधार पर सभी बच्चे रहते हैं उनका भी उपनयन संस्कार रहता है। या फिर किसी की जो विवाह होता है, विवाह भी एक से अधिक का समाज में एक परंपरा के तौर पर संस्कृति धर्म के अनुसार विवाह होता है। तो ये जो भी क्रियाकलाप होते हैं, कार्य होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आते हैं। जब भी एक बालक अगर सामूहिक रूप से कोई कार्य करता है, समाज में परंपरा का निर्माण करता है, धर्म का आदर करता है, तो उस आधार पर यह सिद्धांत लागू होता है। और यहाँ पर चौथा, अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथा सिद्धांत जो है, ये मोस्ट अहम भी है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। पिछले हमने तीन सिद्धांत देखे, उसके आधार पर यहाँ पे एक सिद्धांत क्या है जिसमें एरिक्सन, ठीक है, एक शॉर्टकट नाम है एरिक्सन का सिद्धांत, है ना। पर पूरा नाम पूछे तो एरिक्सन है ना। इस जो एरिक्सन जी थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ है। अब यह सिद्धांत कब से कब तक दिया है, तो हम यह देखेंगे कि यह सिद्धांत 1902 से 1994 दिया गया है, ठीक है। आपको कुल याद रखना है कि 92 वर्ष ये जो सिद्धांत दिए थे, यह 92 वर्ष में संपूर्ण किए गए थे, 1902 से 1994 के बीच। अब इस सिद्धांत को हम जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। जीवन अवधि का सिद्धांत इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि इन्होंने जो भी अवस्था बताई है, उन अवस्था को जीवन के बारे में बताया कि जब बच्चा पैदा जन्म लेता है, जब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने भी अवधि रहती है, अवस्था रहती है, उसको हम जीवन अवधि के अंदर बात करते हैं। अब यहाँ पे आठ अवस्थाएं बताई है या आठ अवधि बताई है, ठीक है, आठ अवस्थाएं बताई है। अब जो आठ अवस्था है वो यहाँ पर इस प्रकार से, पहली यहाँ पर बताया है कि विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक, विश्वास बनाम अविश्वास में यह होता है कि कोई भी एक बालक रहता है, वह बालक अपने माता पिता पर या परिवार पर विश्वास करता है, परंतु अगर मान लीजिए किसी परिवार का कठोर नियंत्रण रहता है या अनुशासन रहता है, तो उस कारण से भी बच्चा अविश्वास करने लग जाता है। अब इसकी अवधि बताइए, इसकी अवधि है 0 से 1 वर्ष। इसको हम शैशवावस्था से भी बता सकते हैं, इसको हम शैशवावस्था से बता सकते हैं। इसमें यही होता है कि एक जो बालक रहता है वो माता पिता पर विश्वास करता है, अगर उसके सामने कुछ ऐसी घटना होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे वो अविश्वास करने लग जाता है, इस अवधि को हम शैशवावस्था या 0 से 1 समय बताया गया है। अगला हम देखेंगे यहाँ पर स्वायत्ता या बनाम स्वायत्ता बनाम सर्व, ठीक। स्वायत्ता का तात्पर्य यह है कि वह कार्य थोड़ा बहुत छोटा मोटा दूसरे पर निर्भर रहता है, परंतु खुद भी करने लग जाता है, परंतु कुछ गलत करता है या किसी के सामने अनजान व्यक्ति को दिखता है तो वह सर्व महसूस करने लग जाता है। यह जो अवधि 1 से 3 वर्ष है, इसको भी शैशवावस्था में बढ़ा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा दिया है कि पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। एक जो बालक रहता है वो कुछ न कुछ पहल करता है, और अगर वो पहल अगर सफल नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो वह खुद को स्वयं को अपराध की श्रेणी में देखता है। इस प्रकार से अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध कहा गया है। अब इसको हम 3 से 5 के बीच में रखेंगे, इसको यह भी शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। इसके अलावा चौथा यहाँ पर है कि परिश्रम बनाम हिंसा, एक जो बालक रहता है वो परिश्रम करने लग जाता है, और जब परिश्रम अगर सफल होता है या असफल हो जाता है, तो असफल के कारण हिंसा होती है समाज में। इस प्रकार से इस अवधि को हम 6 से 12 वर्ष के नाम देख सकते हैं, 6 से 12 वर्ष रहती है। अब इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो अवधि रहती है यह बाल्यावस्था के प्रारूप में रहती है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था कही जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 5वां देखेंगे, पहचान बनाम संप्रति, ठीक।
पहचान मरण संपत्ति का तात्पर्य यह है कि कोई भी बालक रहता है वह खुद की स्वयं की पहचान बनाता है और खुद की स्वयं की पहचान बनाता है, और अगर मान लीजिए उसकी जो इच्छा रहती है उसके अनुरूप कार्य न होता है तो उसमें संभ्रांति पैदा होती है। इस अवधि में 12 से 18 वर्ष की बात कही गई है कि 12 से 18 वर्ष होता है। अब अगर मान लीजिए इसको हम कौन सी अवस्था में ईश्वर अवस्था में रख सकते हैं। इसके अलावा अगला देखेंगे हम यहाँ पर आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो रहता है वह कार्य करता है तो उसमें आत्मीयता रहती है, परंतु अगर वो कार्य समय पर संपूर्ण न होता है, असफल हो जाता है, तो वह अलगाव की श्रेणी में आ जाता है। किस कारण से इस में बांटा गया है इसको हम पूर्णावस्था कह सकते हैं। इसके अलावा जननात्मक और बनाम स्थिरता दिया गया है। कोई भी व्यक्ति रहता है वह व्यक्ति अपने को एक स्वयं को वह इस प्रकार से परिवर्तन या परिवर्तनशील देखता है कि मैंने जो किया है अगली पीढ़ी के लिए सही किया है कि नहीं किया है, या फिर मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं, अगर कुछ अगर उसको पता चलता है तो वह स्थिरता की श्रेणी में आता है, अगर नहीं कर पाता तो स्थिरता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से इस अवधि को 35 से 55 वर्ष में बांटा गया है। इसको भी हम प्रौढ़ावस्था के बाद में रखेंगे। अगला हम देखते हैं कि संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा की यहाँ पर वो स्वयं को इन आठों श्रेणी में अवस्था में देखता है कि मैंने जो भी यहाँ पर किया गया है उसको सफल हुआ है नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो वह निराशा के की दृष्टि से सोचता है कि मैं ये कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। इस आधार पर जो ये रहता है इसको 55 से मृत्यु पर्यंत तक रहती है, इसको हम वृद्धावस्था के नाम से भी जान सकते हैं। इस प्रकार से ये 8 अवस्था दी है एरिक्सन ने सिद्धांत में। अब अगला है यहाँ पर समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता। एक जो समाज रहता है समाज में बच्चा अगर समाजीकरण के अंतर्गत बच्चा जो आता है वह तो किन किन से उसका समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता का तात्पर्य यह है कि एक बच्चा जो रहता है समाज में किस किस चीज़ों से वह रूबरू होता है। पहला हम देखेंगे जो बालक रहता है वह शिक्षक से रूबरू होता है, इसके अलावा माता पिता से होता है, मित्र से होता है। अब शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक एक समाज का आईना रहता है। अगर मान लीजिए एक समाज है इसका ये शिक्षक आईना रहता है, बच्चा शिक्षक के व्यवहार को या शिक्षक के गुणों को देखकर उससे सीखता है। अगर एक शिक्षक का व्यवहार अगर सही रहेगा और वो अगर अच्छा मित्र व्यवहार के साथ में बच्चों पर ध्यान रखेगा तो उसका बच्चे का जो समाजीकरण है वो भी ठीक रहेगा। इसके अलावा माता पिता की बात है तो माता पिता प्रथम दृष्टि से कहे जाते हैं। अगर मान लीजिए एक माता पिता के संरक्षण में अगर बच्चा कुछ सीख रहा है तो 99% बच्चा अच्छे या बुरे के कार्य को सीख रहा है। माता पिता की जो समाजीकरण में भूमिका रहती है वो बहुत खास रहती है, उससे बालक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब अगर मित्र की बात करें तो मित्र भी समाजीकरण के लिए मुख्य है। मित्र संगति के आधार पर रहता है। अगर बच्चा अगर साथ में रह रहा है दोस्तों के या मित्र के साथ में तो अगर अच्छी संगति है तो बच्चा अगर अच्छा सीखता है, और अगर बुरी संगति रहती है तो बच्चा बुरी संगति में पड़ता है। इस आधार पर अब यहाँ पर समाजीकरण में प्रभावशील कारक यह है कि एक जो बालक रहता है उसका जो समाजीकरण होता है वह समाजीकरण में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या अच्छे प्रभाव रहते हैं, क्या क्या बुरे रहते हैं। एक जो समाजीकरण रहता है बच्चे का समाज के जो मतलब रहता है उसमें अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और बुरा भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर 8 या 9 पॉइंट दिए हुए हम सबको परिवर्तन देखेंगे। प्रभावशील कारक में सबसे पहले वंशानुक्रम दिया गया है। वंशानुक्रम टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। वंशानुक्रम समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है, एक जो बालक रहता है अगर मान लीजिए आंतरिक कारक की बात करें तो आंतरिक कारक में बच्चा किस प्रकार से प्रभावित होता है तो उसमें अगर आंतरिक क्रियाएँ अगर खराब रहेगी तो बच्चे में मानसिक दबाव पड़ेगा या फिर उसके जो शारीरिक विकास रहेगा उसमें अवरुद्ध रहेगा, उसी से समाजीकरण में प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। और अगर समाज की बात करें तो अगर समाज में अगर अच्छी शिक्षा रहेगी, अच्छे कुछ भी अच्छी प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो उससे समाजीकरण बच्चा का अच्छा होगा, और अगर बुरी रहेगी तो बुरा होगा। परिवार की बात करें तो परिवार में बच्चा स्वयं सबसे पहले सीखता है अनुकरण के माध्यम से, संप्रेरण के माध्यम से। संप्रेषण में अगर बालक एक प्रकार से अगर बड़ों की बात अगर सुनता है या बच्चों के बड़ों की क्रियाकलाप करता है, कार्य करता है,
उस आधार पर भी अगर बच्चा अगर अच्छी बातों को अच्छे से सीख रहा है तो समाजीकरण का विकास होगा, और अगर बुरी बातों का भी अनुसरण कर रहा है तो उससे भी उसका बुरा विकास होगा। अब विद्यालय की बात करें तो बच्चा परिवार के बाद में विद्यालय में सीखता है, विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के अलावा जो शिक्षण नीति है, जो भी ऐसी चीज़ें रहती है जिससे बच्चा सीख रहा है उसका अगर सकारात्मक दृष्टि से उपयोग किया जा रहा है या उपयोग करवाया जा रहा है तो बालक का समाजीकरण अच्छे से होता है, और अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उसको बुरा होता है। अब समूह की बात करें तो समूह में मित्र आते हैं, अगर मित्र अगर की संगति अच्छी हो या उसके जो कार्य है खेल कूद है या शारीरिक क्रियाएँ अगर अच्छी होगी तो बालक का समाजीकरण अच्छा होगा या फिर समाजीकरण बुरा भी हो सकता है। संचार माध्यम की बात करें, संचार माध्यम में बहुत से नया नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रहे हैं, अगर नई चीज़ों में अगर संचार माध्यम से बच्चों में विकास करवाया जा रहा है, अगर समाज के रंग के बीच में रहकर कार्य अगर अच्छे से करवाया जा रहा है तो उसका विकास अच्छे से होगा या फिर बुरा हो सकता है। अब धर्म की बात करें तो धर्म विभिन्न प्रकार के रहते हैं, अब धर्म विभिन्न प्रकार के रहते हैं, धर्म अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसका अच्छा अनुसरण हो रहा है तो बालक का समाजीकरण अच्छा होगा, और अगर अनुसरण नहीं हो पा रहा है या कुछ दूसरी चीज़ें ऐसी आ रही है जिसमें जिससे कि बालक का विकास खराब हो रहा है। अगर सहानुभूति की बात करें तो सहानुभूति भी अगर बालक अगर कोई कार्य कर रहा है और उसको सहानुभूति हो रही है कि मैंने कार्य किया हुआ है, उस कार्य में सफल मिलता है, इस आदमी को भी उसका विकास नहीं हो पाता है या हो पाता है इस आदमी को देता है। उसका अगर दंड की बात करें तो अगर मान लो कोई बालक अगर कार्य कर रहा है समाज में बीच में रहकर और वो अगर अच्छा कर रहा है तो उसको पुरस्कार मिल रहा है, और अगर वो खराब कर रहा है तो उसको दंड मिल रहा है, समाजीकरण का प्रभाव होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट में बताया गया है कि सामाजिक पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में यह दिया गया है कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक जो व्यक्ति रहता है उसका व्यवहार अगर रहता है समाज के रूप में किस प्रकार से विकास हो रहा है उसकी प्रक्रिया क्या क्या रहेगी। पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा है व्यक्तिकरण, तीसरा उदारीकरण और चौथा है निजीकरण। तो अगर यहाँ पर सामाजिक व्यक्तित्व की बात करें तो समाज का जो कार्य हो रहा है, व्यवहार हो रहा है तो समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का इसका आंसर समाजीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि आप अपने कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप निम्न से क्या कदम उठाएंगे। आप अगर समाजीकरण करवा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया करवा रहे हैं, आप एक शिक्षक होते हैं कि इन चार ऑप्शन में से क्या करवाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि बालकों को स्कूल की परंपरा से परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करवाएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन को अगर देखेंगे, अगर समाजीकरण करवाना है हमको तो स्कूल की जो परंपरा है तो हमको बताना जरूरी है, अगर हम उनको बताएंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे। इसके अलावा बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करवाना भी जरूरी है, अगर हम जो सामाजिक आदर्श है, बहुत सारी परंपरा है या फिर धर्म है, संस्कार है, उसे हम उनको परिचित करवाएंगे या फिर स्थापित करवाएंगे तो वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी भी देना है कि जो समाज में मान्यता है, परंपरा है, उस बारे में अगर बताएंगे तो इस प्रकार से यहाँ चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त तो सभी सही रहेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखें हम तो अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया तो सर्वोत्तम आयु होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक जो बालक रहता है उस बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है। ठीक है, सर्वोत्तम आयु कौन सी अच्छी है उस बारे में पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर पाँच वर्ष हो जाएगा। एक जो बालक रहता है सर्वोत्तम आयु में पाँच वर्ष में बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पाँच वर्ष वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर पूछते हैं कि प्रारंभ कब हो रहा है तो तीन वर्ष बताते हैं, परंतु उसका जो मतलब यहाँ पर प्रक्रिया सर्वोत्तम आयु पूछी है कि सबसे अच्छी आयु कौन सी होगी, तो यहाँ पाँच वर्ष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है ना, प्रतिद्वंद्व है, अप्रतिद्वंद्व है तो समाजीकरण की अवस्था कब है, मतलब प्रतिद्वंद्वता कब होता है, बच्चों को कब सबसे ज़्यादा कब होता है, तो यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, तो यहाँ पर बाल्यावस्था सही हो जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, इस प्रकार से वह प्रतिद्वंद्वों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हम बात करें, 16 प्रश्न दिया है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, है ना, आप सामाजिक के साथ में शारीरिक और संवेगात्मक भी विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या इसका चुनाव करेंगे। चार ऑप्शन है, आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे,
तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप किसी बच्चे को घर नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया करवाएंगे, ये सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे तथा साथ ही आप भी चुपचाप बैठ जाएंगे, तो ये तो गलत है, है ना। हमको शारीरिक और संवेगात्मक भी विकास करवाना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, है ना। अगर आप किसी बच्चे को खेल प्रक्रिया सिखा रहे तो वहाँ बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, क्योंकि वो खेल रहा है तो शारीरिक विकास होगा। अगर वह संवेग भी हो रहा है उनके बीच में, है ना, उनको क्रोध भी आ रहा है, खुश भी हो रहे हैं या उनको आनंद भी आ रहा है, इस प्रकार से संवेग की भी उत्पत्ति हो रही है, तो सामाजिकरण भी हो रहा है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। आपको बताना है कि एक अगर आप पढ़ा रहे तो सामाजिक शिक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, ठीक, बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, यह सबसे आसान शिक्षण है, है ना। तो यहाँ पर आसान शिक्षण की तो बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगला है बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाएंगे, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अपनों को सामाजिकरण सामाजिक शिक्षण क्यों जरूरी है बताना है, तो यहाँ पर बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। इस प्रकार से पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन थे हमारे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।